हमारे मुख्य अतिथि श्री चमन लाल जी पधार चुके हैं। इनके साथ आए हुए इनकी धर्मपत्नी एवं समस्त सगे संबंधियों का आज इस संस्थान के प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन स्वागत। इनके प्रधानाचार्य एवं जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा श्री राजेश शर्मा जी से एवं अन्य अतिथियों और अपने स्टाफ मेंबर से अनुरोध करती हूँ कि दीप प्रज्वलन के लिए मुख्य अतिथि को महोदय को आगे लेकर के आए। जिला परियोजना अधिकारी श्री राजेश शर्मा जी से कि हमारे मुख्य अतिथि श्री चमनलाल जी को बैज लगा करके सम्मानित करें। सुगंधा सभी से आग्रह रहेगा कि तालियों के साथ हमारे मुख्य अतिथि इसी श्रेणी में चाहिए हमारे अतिथियों के लिए जो कि आज इस समारोह की में उपस्थित हैं। सेक्शन ऑफिसर श्री निशांत शर्मा जी भी यहाँ पे हैं। उन्हें दिखाते हुए मेरा आग्रह रहेगा सुगंधा से कि आप सभी जो हमारे अतिथि आए हुए हैं उनको बैज लगाएं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। जोरदार तालियां। शॉल शॉल और टोपी जो है वो एक सम्मान का प्रतीक है क्योंकि इन्होंने बहुत ही। मैडम अनुराधा शर्मा भी हमारे बीच में पधारे हैं। हम अपने संस्थान की ओर से इनका पुनः यहाँ आने पर इस समारोह की शोभा बढ़ाने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। मेरा आग्रह रहेगा मैडम भूमिका खन्ना जी से कि कृपया मैडम अनुराधा शर्मा जी को बैज लगाकर सम्मानित करें। समारोह में पधारने पर इनके साथ आए हुए समस्त सगे संबंधियों का मैडम अनुराधा शर्मा का श्री प्रकाश ठाकुर जी का एवं अन्य जो भी साथी हमारे बाहर से आए हुए हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आए हैं हम संस्थान की ओर से क्लोज आइए एक मिनट। हमारे मुख्य अतिथि महोदय के बारे में बताना चाहूंगी कि आज ये हमारा परम सौभाग्य है। एक नई परंपरा की शुरुआत इस संस्थान के जिला के संस्थान से होने जा रही है कि आज के दिन ही हमारे श्री चमनलाल ठाकुर जी जो कि हमारे संस्थान में कार्यरत थे और लंबी सेवाओं के बाद यहाँ से आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो ये निर्णय लिया गया कि करके
सम्मानित करें। मुझे लगता है कि इससे बड़ा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है और ये इसके असली हकदार भी हैं। मैं कहूँ इनकी सेवाओं की बात करूँ तो इन्होंने 1984 से लेकर के 1988 तक इन्होंने 5 साल तक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलन में अपनी सेवाएं दी। उसके बाद 1988 से 1994 तक इन्होंने फिर से बीईओ ऑफिस सोलन में ही अपनी सेवाएं दी, यानी लगभग 10 वर्ष से इन्होंने जिला सोलन में कार्य किया है। और उसके बाद 1994 में ये जो बीटीएस हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो आज डाइट के रूप में यहाँ पर हम सभी के समक्ष है, तो वो पहले बीटीएस हुआ करता था, तो 2 महीने तक उन्होंने चुवाड़ी में सेवाएं दी और उसके बाद 4/8/1994 को ये यहाँ इस संस्थान में आ गए थे और तब से लेकर के आज 31/3/2022 तक इन्होंने अपनी सेवाएं संस्थान के लिए दिए हैं और उसके बाद ये आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस नई परंपरा का शुरुआत और एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत हम सभी संस्थान के प्रशिक्षु, संस्थान के सभी स्टाफ मेंबर्स अपने आप को बहुत ही गौरवशाली अनुभव कर रहे हैं कि आज हमारे बीच में जिसको कहते हैं कि कर्मठता के साथ अपने कार्य को करने वाले, जब भी हम देखते थे कि नाइट में क्योंकि इनकी ड्यूटी होती थी, जब भी फोन करो तो ये यहाँ पे उपलब्ध रहते थे और शायद परमात्मा की भी ये मर्जी थी कि इनको इसके लिए, इनकी इस सेवाओं के लिए, इनके इस कर्तव्य निष्ठा के लिए इस प्रकार के सम्मान समारोह के माध्यम से इनकी विदाई आज होने जा रही है। तो एक बार मैं चाहती हूँ कि सभी हमारे प्रशिक्षु, स्टाफ मेंबर्स, सभी हमारे अतिथिगण इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि पूरा परिवार, सगे संबंधी संस्थान में आज आए हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे पूर्व कभी इस तरह से आए होंगे, तो ये एक बहुत ही जिसको बोलते हैं कि गौरवमय पल है कि आप भी, हमारे बुजुर्गों का भी आशीर्वाद हमारे संस्थान में हमारे प्रशिक्षुओं को मिल रहा है। अब मैं कार्यक्रम को थोड़ा सा इस कड़ी से दूसरी ओर ले जाते हुए, क्योंकि अतिथि हमारे आ चुके हैं, तो मेरा आग्रह रहेगा हमारे सरस्वती वंदना की छात्राओं से, कृपया मैं यहाँ पे ये अवश्य मेंशन करना चाहूँगी, इस हमारे कल्चरल प्रोग्राम को तैयार करने में हमारे गायक के मैडम नम्रता शर्मा Yeah.
युवाओं ने दी है, हमारे कार्यक्रम में एक नया जोश भर दिया। आज का क्योंकि वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह है, जनप्रतिनिधियां जनशब्द में इस समारोह के बारे में कहना चाहूंगी। इट इज एन ओकेजन ऑफ सेलिब्रेशन बट करिकुलर ऑल्सो रिसीव ऑनर्स फॉर देयर करिकुलर एंड को करिकुलर अचीवमेंट्स। एनुअल फंक्शन ऑल्सो अलाउ स्टूडेंट्स शोकेस देयर टैलेंट्स, ओवरकम स्टेज फाइट, गेन कार्रवाई के लिए, मंच संचालन के लिए हमारी संस्थान के अनुरोध करती हूँ कि कृपया वो मंच पर आए और तो गुनगुना दीजिए। Every day holds a surprise for us. We should not be afraid to receive each day's surprises, whether it comes to us as sorrow or joy. It opens a new place in our hearts. Well, today we have lots of surprises for the beautiful audience present here. This is Urvashi Jharta with Pramod. We wholeheartedly welcome you all on the auspicious occasion of our annual prize distribution function. सच कहूँ तो किसी मोहब्बत से कम नहीं है, हमारा हिमाचल किसी जन्नत से नहीं है। सबसे पहले मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी चम्याली डांस के लिए डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की छात्राओं को। कृपया आप स्टेज पर आए और आप सभी लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। Thank you.
मुख्य अतिथि श्री चमन ठाकुर जी उनके साथ आए हुए उनकी माता श्री उनकी धर्मपत्नी उनके भ्रातागण बाकी अन्य सभी सगे संबंधी मंच पर उपस्थित। एक बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है हमारे डाइट के इतिहास में, क्योंकि एक तो हमारे चमन जी यहाँ से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और एक ऐसे उपलक्ष्य पर जो हमारे पास यहाँ पर अभी 3 बैचेस के बच्चे हैं जिनको आज हम यहाँ पर उनकी विभिन्न गतिविधियों के लिए सम्मानित भी करेंगे, और उसके लिए श्री चमन जी ने आज यहाँ पर एक मुख्य अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति से हमें अनुग्रहित किया है। मैं इनके समूचे परिवार को अपने इस डाइट की ओर से धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि भविष्य में इनका परिवार अच्छा फले फूले, इन सभी का जीवन जो बहुत सुखमय रहे जिस प्रकार से इन्होंने सच्चे दिल की डाइट की सेवा की है, उस इनाम के ये हकदार थे और आज यहाँ हमारे बीच में हैं। तो एक बार फिर से मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद जय हिमाचल। के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो सभी मेहमानों का अपनी तरफ से एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। साथ में आज के इस एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हमारे संस्थान के पूर्व छात्र जो कि बैच 2018-20 और बैच 2019-21 के डीएलएड के प्रशिक्षु हमारे यहाँ पे आए हैं, उन्होंने
हमारा इनविटेशन जो है वो एक्सेप्ट किया और इस संस्थान में आए, उनका पूरे संस्थान की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, ये जो विगत 2 वर्ष थे, ये पूरे जो है वो कोरोना काल में जो है वो निकल गए और बहुत सारी गतिविधियाँ जो है जो फिजिकल मोड में हमारे संस्थान में हुआ करती थी वो हम नहीं कर पाए, और ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाए, बट वो सभी गतिविधियाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन मोड में जो है वो होती रही। ये हमारा जो लास्ट बैच था 2019-21 का डीएलएड का, ये एक ऐसा बैच था जो लगभग पूरा जो है वो कोरोना काल में निकल गया। तो दुर्भाग्य है, मैं समझूंगा एक तरह से इस बैच के बच्चों का, कि वो पूरी तरह से हर एक एक्टिविटी में, हर एक जो कार्यक्रम है उसमें, डाइट में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो खैर, परिस्थितियों के आगे जो है वो किसी की नहीं चलती है। तो इन बच्चों के लिए ना तो हम किसी तरह का फेयरवेल जो है वो ऑर्गेनाइज कर पाए, जबकि इन छात्रों ने अपने से पूर्व सभी छात्रों के लिए जो है वो फेयरवेल भी किया, फ्रेशर भी दी, हर एक चीज़ जो है वो इन्होंने दिया। बट ये हम सभी जो है वी आर एक्सट्रीमली सॉरी कि हम इन बच्चों के लिए जो है वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर पाए। तो इसलिए आज का ये दिन जो है वो इन बच्चों के लिए भी खास है, क्योंकि इनके 2 साल के कार्यकाल में शायद इस तरह का मौका उनको नहीं मिला। तो ये भी उनकी ट्रेनिंग पीरियड का एक जो है वो स्मरणीय अविस्मरणीय दिन जो है वो हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगेन आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि हम अपने आज के इस कार्यक्रम की जो भी अन्य जो हमारी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, और भी बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं, जो प्रोग्राम हैं जो हम आज यहां पे करने वाले हैं, उससे पहले, क्योंकि बीच में हमारा ये एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो पूरे साल में हमारे संस्थान में जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन मोड में हुए हैं या ऑफलाइन मोड में हुए हैं, उसके जो प्राइज हैं वो भी आज ही हम यहाँ पे देने वाले हैं सभी बच्चों को। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम 2 साल से इसको जो है वो नहीं कर पाए हैं, हमारा एनुअल फंक्शन जो है वो नहीं हो पाया है, इसलिए बहुत सारे प्राइजेस जो हैं वो पेंडिंग चल रहे हैं। तो आज बीच बीच में हम थोड़ी कोशिश करेंगे कि आपका मनोरंजन भी चलता रहे, और साथ साथ में हम ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन है ये भी जो है वो हम चलाते रहें। तो आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय हैं उनके लिए मैं चंद लाइनें जो हैं वो कहना चाहूँगा। वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है, वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। तो धन्यवाद श्री चमनलाल जी, जो हमारे आज के इस कार्यक्रम के बहुत ही एक ऐतिहासिक, जिसको मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे चीफ गेस्ट शायद आज तक के इतिहास में ऐसा कभी हुआ हो, और आगे हम शायद कामना भी नहीं कर सकते कि इस तरह का जो आयोजन है वो कभी कहीं होगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अविस्मरणीय जो है वो पल बन गया है हमारी डाइट के लिए। इसी कड़ी में मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की ओर जो है वो आपको ले जाना चाहूँगा। कहते थे महोदय से, हमारे जिला परियोजना अधिकारी श्री राजेश शर्मा जी से, कि वो मंच पे आए और हमारे हाल ही में इस संस्थान में जो इंटर हाउस स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स जो है वो ऑर्गेनाइज हुए थे, उनके प्राइज जो है वो उन बच्चों को हम दे सके। सैलिका और दीक्षा, काफी मेहनत इन बच्चों ने की है, स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स को जो है वो आयोजित किया था। तीनों आ जाओ सामने सामने रखो अपना प्राइज सामने। सभी बच्चे आए और अपना प्राइज लेके जाएं। रुक जाओ, आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ इकट्ठे देखना, ठीक है ना।
तालियों से करें, क्योंकि इनाम लेना जो है वो बहुत बड़ी प्राप्त करें। सैलिका, मनु और उमंग। विनर इज रीता कुमारी एंड द सेकंड प्राइज विनर गोज टू टू स्टूडेंट्स सेजल एंड रमा एंड द थर्ड प्राइज गोज टू मिस सैलिका। Second prize goes to Sejal and third prize goes to Rama and Selika. ये थे हमारे individual events थी। इसके बाद सबसे पहले जो है वो girls section में खो खो जो है वो आती है। तो ये जो winners रहे हैं ये first year means junior section जो है वो विनर रही है गर्ल्स सेक्शन में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी गर्ल्स से कि वो स्टेज पे आएं जिन्होंने खो खो की इवेंट में पार्टिसिपेट किया है जूनियर सेक्शन से। जो रनर रहे हैं वो सेकेंड ईयर सीनियर्स की गर्ल्स जल्दी से मंच पे आ जाएं। इसके बाद टू फर्स्ट ईयर जूनियर जूनियर सेक्शन से गर्ल्स फर्स्ट। नाउ द एंड द फर्स्ट प्राइज गोज टू अगेन मनीषा कुमारी जोर द एंड द थर्ड वन इज उर्वशी। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो तालियां जरूर बजाएं, तालियों में कंजूसी ना करें, बच्चों ने बहुत मेहनत की। एंड द फर्स्ट प्राइज अगेन गोज टू मिस सैलिका गोज टू तन्वी एंड द थर्ड प्राइज गोज टू रीता। करें जो हमारी लास्ट इवेंट थी टू मिस तन्वी सेकंड हिमालया मिशंस और थर्ड पे है रीता कुमारी फर्स्ट ईयर। जो गर्ल्स सेक्शन के प्राइजेस थे वो रहते हैं इन बच्चों के लिए। ज़रूर मैं दो लाइनें जो है वो कहना चाहूँगा। अभी तो इस बाज की उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो इस बाज की उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी अभी मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। धन्यवाद। एंड मिस्टर प्रमोद, थैंक यू सो मच सर। लय में डूबी हुई मस्ती भरी आवाज के साथ चलिए छेड़ दे कोई गजल एक नए अंदाज के साथ। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी द्वितीय वर्ष के छात्र अक्षय को अपनी सुरीली आवाज के साथ। सो प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अक्षय। तो मुलाकात अधूरी रहती, ना मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती। बात तो होती मगर बात अधूरी रहती, दिल न मिलते
अधूरी रहती। तेरा शुक्रिया, शुक्रिया तेरा ए देव भूमि, तूने पावन भूमि पर जन्म दिया। ये हिमाचल की शान है, यहाँ मेहनती हर इंसान है। संस्कृति हमारी सबसे निराली और नाटी में बसती हिमाचलियों की जान है। कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए जूनियर्स एंड सीनियर्स का नाटी के लिए। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जाकू
Thank you.
हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने बच्चे जो हैं वो आएंगे, तो ये बड़ी खुशी की बात है कि उन बच्चों ने हमारा इनविटेशन जो है वो स्वीकार किया है और यहाँ पे आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ तक बात है कार्यक्रम की, अभी हम शिमला की वादियों में घूम रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि ये चंबा के छात्रों ने जो है वो तैयार की है, बट ऐसा भी नहीं है। हमारे संस्थान में बहुत सारे बच्चे जो है वो शिमला के हैं, तो ये जो आप नाटी देख रहे थे ये शिमला की वास्तविक झलक आप लोगों ने देखी है कि शिमला में किस तरह की संस्कृति और किस तरह का जो कल्चर है वो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, उसकी एक छोटी सी झलक आप लोगों ने देखी। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए जिन्होंने ये नाटी प्रस्तुत की है। सो द फर्स्ट इवेंट जो इस कॉम्पिटिशन में थी रादर शॉर्ट पुट फर्स्ट प्राइज गोज टू गोविंद। करें जोरदार तालियों के साथ बच्चों की हौसला अफजाई करें। मुझे पता है हैं तो खाते भी रहें और साथ में तालियां भी बजाते रहें, तालियों में कंजूसी ना करें। ये बड़े मतलब जिसको मैं बोलता हूँ कि अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स होते हैं इन बच्चों के की लाइफ में कहीं पे स्टेज पे जाकर। द फर्स्ट प्राइज गोज टू अगेन हमारे डिस्कस थ्रो में फर्स्ट प्राइज गोज टू इनकी मेहनत के लिए, इनकी लगन के लिए, इनकी डेडिकेशन के लिए। द नेक्स्ट इवेंट इज अगेन गोज टू, गेस करिए किसको, गोविंद, यस मिस्टर। एंड द सेकंड जेवलिन थ्रो में एंड द स्टूडेंट ऑफ द डाई, इसके बारे में जितना कहा ठाकुर। सामने विनर है सेकंड ईयर बी सेक्शन, सामने विनर जो है वो सेक्शन बच्चों को। मैम थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विनर है वो है सेकंड ईयर, ये कंबाइंड थी दोनों, फर्स्ट ईयर है उसी तरह से फर्स्ट ईयर के बच्चे भी जो है वो आगे आ जाएं इस कंबाइंड। थैंक यू सर। द फर्स्ट प्राइज गोज टू मिस्टर अमित कुमार या एंड तुषा, अभिषेक जंद्रोटिया, पवन कुमार एंड नवीन कुमार। सेकंड टू नवीन। नेक्स्ट इवेंट है हमारी हाई जंप की। सामने बच्चा
पहुंचा है, काफ़ी सारे प्राइज इसने जीते हैं. सेकेंड प्राइज गोज टू अभिषेक चंद्रोटिया एंड द थर्ड प्राइज गोज टू एंड अजय जरियाल. थर्ड प्राइज गोज टू नवीन थापा एंड अजय जरियाल. सेक्शन में जो हमारी टीम विनर रही है सेकेंड ईयर बी सेक्शन से और रनर है इसमें सेक्शन ए से प्राप्त करें. जनरल हाउस इसमें बॉय सेक्शन में और गर्ल सेक्शन में ऑलराउंड बेस्ट भी हमने निकाले हैं जिनकी ऑल ओवर परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट रही है सभी स्पोर्ट्स इवेंट्स में. सो बॉय सेक्शन में द प्राइज ऑफ ऑलराउंड बेस्ट गोज टू मिस्टर अभिषेक एंड मिस्टर तुषार. जोरदार अभिषेक एंड मिस्टर तुषार. सिमिलरली ऑलराउंड बेस्ट प्राइज गोज टू मिस मनीषा एंड मिस रमा. जोरदार तालियां बच्चियों के लिए. जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है जिन्होंने शुरू से लेकर के आवेदन करूंगा उनसे कि वो स्टेज पे आए और मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से अब भी इनाम तो इनाम ही है. तो जोरदार तालियां हमारे डीपी सर के लिए. काफी मेहनती काफी लग जिसे जिंदगी ढूंढ रही है क्या ये वो मकाम मेरा है. यहाँ चैन से बस रुक जाओ क्यों दिल ये मुझे कहता है. जज्बात नए से मिले हैं जाने क्या सर ये हुआ है. एक आस मिली फिर मुझको जो कबूल किसी ने किया है. जो दे रूह को सुकून के पल कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर. मौसम की सहर या सर्द में दोपहर कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को शान है
देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। इसी देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित करने के लिए मैं मंच पर फर्स्ट ईयर देशभक्ति संबंधित अपनी प्रस्तुति पेश करें। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते। सभी को सूचित किया जाता है कि वह जहां भी हैं सूचना मिलते ही बटालियन हेडक्वार्टर में हाजिर हो। ओवर। है मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान।
तुमको मिले जीत ही जीत सदा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। What a marvelous performance.
मुझे पूरा विश्वास है कि इस दिल छोने बाद हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। अप्लाउज फॉर देम। Yeah.
तो हमारी आंखें जो है वो खुद ब खुद नम हो जाती हैं। इसी का नाम जो है वो देशभक्ति है। तो इसी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे डीपीओ सर से कि हमारे अतिथि हमारे बीच में श्री सीआर सूरी जी हैं, उनको लेकर के मंच पे आए और कुछ इनाम जो है वो सर के कर कमलों द्वारा जो है वो प्रतिभागियों को दें। हमारे स्पेशल इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं उनको हम सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट ईयर वो सभी जो डेज थे वो ऑनलाइन मोड में हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाए, ऑनलाइन मोड में, कुछ ऑफलाइन मोड में भी हुए। तो सभी के प्राइजेस जो है वो हम यहाँ से अभी अनाउंस करेंगे। 2021 में हमने वर्ल्ड लिटरेसी डे जो है वो सेलिब्रेट किया, जिसमें कुछ इवेंट्स रही, कुछ कॉम्पिटिशन्स रहे। उसमें पहला था क्विज कॉम्पिटिशन और इस क्विज कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज जो है वो उस टीम को जाता है जिसमें उमेश, प्रीति और सुनील फ्रॉम सेक्शन A1। सेकंड प्राइज जो है वो दो टीमों को जाता है और अभी काफ़ी जो कार्यक्रम है हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का वो पेंडिंग। थर्ड प्राइज जो है वो जिस टीम को जाता है उस शीतल, उर्वशी एंड अजय जल्दी से मंच पे आए। ऑर्गेनाइज किया गया था एंड इस कंपटीशन में द फर्स्ट प्राइज गोज टू चारू चंद्रिका फ्रॉम सेक्शन B1 का फर्स्ट, प्रशांत सेकंड और अंकित थर्ड पेंटिंग कंपटीशन। नेक्स्ट कंपटीशन सभी बच्चों से निवेदन है कि वो यहीं रहें ताकि कम है। इसके आगे तैयार रहेंगे बच्चे। 2021 में हिंदी दिवस भी हमने सेलिब्रेट किया था। प्राइज गोज टू काजल। सेकंड प्राइज राहुल नहीं है, वो हम इनाम रख लें प्लीज, जब वो आएंगे तो उनको दे देंगे। सम्मेलन हिंदी दिवस पे बॉयज में फर्स्ट प्राइज गोज टू मिस्टर, सेकंड प्राइज गोज टू मिस्टर राहुल देवल, पास आउट स्टूडेंट है B2। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा लगता है कि सो गए हैं से, और खुद का BP भी नॉर्मल रखें तालियां बजाकर। वैशाली कहाँ है? नेक्स्ट जो हमारा इवेंट था दैट वाज सुलेख राइटिंग कंपटीशन। फर्स्ट प्राइज गोज टू अगेन हिमालया, सेकंड प्राइज गोज टू शीतल A1, शीतल फ्रॉम A1, नितेश फ्रॉम B1। ये बच्चे आगे ही बैठे रहे। इसमें टीचर्स डे सेलिब्रेट हुआ, उसमें भी कुछ कॉम्पिटिशन्स जो है वो रहे। पेंटिंग कॉम्पिटिशन खड़े हो जाओ जो टीम विनर रही है उसके विशेष तौर पे उमंग ने जो रोल प्ले किया था वो आज भी मुझे याद है। तो जोरदार तालियां उमंग के लिए, सभी बच्चों के लिए राधर। मिस शीतल फ्रॉम A1, उर्वशी सेकेंड और मिस्टर राहुल थर्ड। डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट वर्ल्ड एड्स डे 2021। नेक्स्ट कॉम्पिटिशन A1, सेकेंड प्राइज गोज टू राहुल A1 एंड थर्ड प्राइज गोज टू दीक्षा, फर्स्ट प्राइज उमेश एंड थर्ड प्राइज दीक्षा। दीक्षा शर्मा का कॉम्पिटिशन था स्लोगन राइटिंग। नंदिनी फ्रॉम A1, सेकेंड प्राइज एंड द सेकेंड प्राइज गोज टू दीक्षा फ्रॉम B2।
From B1 and third prize goes to Ms. Gugesh, second Prashant and third Gugesh. Gugesh. First prize jata hai Ms. Kumkum, second prize Rahul. नेक्स्ट हमारा कंपटीशन एससी राइटिंग कंपटीशन था जब B1. जोरदार तालियां बच्चों के लिए, उत्साह बढ़ाते हुए बच्चों का इन कंपटीशन को जीतने के लिए. इस पे लास्ट था हमारे हुए हैं जो कि हमने रिक्वेस्ट करूंगा हमारे DPO सर से कि वो स्टेज पे आए और हमारी डाइट की जो एक तरह की वार्षिक रिपोर्ट है वो रखें और हमें अपना आशीर्वाद दें. DPO सर, इस हमारे वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के हमारे मुख्य अतिथि श्री चमन जी, उनके साथ आए हुए उनके सभी सगे संबंधी मंच पर विराजमान, मैडम अनुराधा शर्मा जी, एडमिनिस्ट्रेटर हाई स्कूल सिंगी, श्री सीआर सूरी जी, रिटायर्ड PET, प्रकाश जी, प्रवक्ता रिटायर्ड डाइट, और कुछ हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी जो हमारे डाइट से हुए हैं, डाइट की सभी फैकल्टी व विभिन्न हमारे तीनों बैचेस के चार बैचेस के बच्चे जिनके लिए आज का ये कार्यक्रम जो है वो विशेष रूप से रखा गया है. अब मुझे वैसे ओंकार जी ने कहा कि वार्षिक रिपोर्ट यहाँ रखने का, लेकिन मैं यूं कहूं कि ये जो हमारा इस बार का जो वार्षिक अपना पारितोषिक वितरण समारोह है ये बड़ा अनूठा है. थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक करना चाहूँगा. मैंने मई 2019 को यहाँ पर एक प्रधानाचार्य के रूप में मैंने अपनी यहाँ पर ज्वाइनिंग दी थी, तो उस समय कुछ हालात और थे. शायद मैं यूं कहूं कि हमें एक रूटीन में जो काम करने का जो अवसर मिला है वो मात्र 6-7 महीने का ही मिला था, और 20 में आते ही शुरू में ही अभी हम अपनी तैयारी कर रहे थे नेक्स्ट कैलेंडर ईयर की, फाइनेंशियल ईयर की, कि क्या क्या एक्टिविटीज़ जो है वो हमने प्लान की हैं, किस प्रकार से ये सारा जो इंस्टीट्यूट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो चलेंगी. लेकिन जो एक विश्वव्यापी जो एक महामारी जो थी, ऑल ऑफ सडन उसका पदार्पण हुआ, और जो हमने योजना बनाई थी वो सारी यूं कहें कि धरी की धरी रह गई. हम लोग अपने घरों, गाँव या कस्बों में जहां भी थे हम वहीं पर कैद होकर के रह गए. हालांकि जो कुछ लोग बाहर से आए थे, आ रहे थे, रामकृष्ण जी पीछे बोल रहे हैं, इसके पीछे राज जो थे वो दूर राज के क्षेत्रों में थे, काम करने के लिए गए हुए थे, उनको भी घर लाना था, उनकी भी घर वापसी थी. सरकार ने और प्रशासन ने बड़े अच्छे प्रबंध किए थे, और उस प्रबंध की दृष्टि से हमारा ये संस्थान जो था वो अग्रणी भूमिका में रहा. मैं और मेरे साथ मेरे जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो प्रवक्ता हैं, चाहे वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ हैं,
सभी ने उस काम में अपना भरपूर सहयोग दिया। हमारा ये डाइट का जो हॉस्टल है वो कोविड केयर सेंटर बना हुआ था, या यूं कहें हमारा एक चंबा का एक वन ऑफ द बेस्ट कोविड केयर सेंटर था। और यहाँ पर रूटीन में सभी हमारे जितने प्रवक्ता साथी हैं मेरे, बारी बारी से सभी ने अपनी अपनी जितनी इनकी मैंने ड्यूटीज लगाई थी, तीन दिन चार चार दिन के लिए या वीक के लिए, बड़े अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म किया। हालांकि प्रशासन का हमारे ऊपर बहुत प्रेशर रहता था, उनकी पूरी जो एक देख रेख जो थी, एक नज़र जो थी, वो हमारे ऊपर 24 घंटे रहती थी। तो ये हमारा ये काम उसमें चलता रहा। और एक समय ऐसा आया जब कुछ और लोग बाहर से आते थे या कुछ लोग उस महामारी से ग्रसित हो जाते थे तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सिफारिश लगाते थे कि जी हमें अगर आप हॉस्पिटलाइज करेंगे तो हमें डाइट में ही करना। तो ये हमारे एक यहाँ की डाइट की जो एक, मैं यूँ कहूँगा, जो एक टीम वर्क थी, शायद उसी का एक नतीजा था कि जितने भी लोग यहाँ के पूरे चंबा जिला के यहाँ पर आए, वो जातिवार हर कोई यहाँ से खुश होकर के गया कि बहुत बढ़िया जो हमारा अरेंजमेंट जो था यहाँ पर डाइट में हुआ, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी, चाहे किसी को कोई मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे स्टे से रिगार्डिंग हो, चाहे खाने से रिगार्डिंग हो। तो उसके लिए मैं अपने पूरे स्टाफ को और जो इवन बच्चे भी उसमें कुछ हेल्प करते थे हमारे, उन सबको आज इस शुभ अवसर पर बधाई देता हूँ। और इस काम में हमारे जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री चमन जी, उनकी भूमिका अग्रणी रही है, क्योंकि ये एज ए चौकीदार काम करते थे, ये रात को हॉस्टल में होते थे, और इवन रात को 11-11 बजे भी मैंने कई बार इनको फ़ोन किया है, जो भी कभी लाइट चली जाती थी, कभी कोई पानी की समस्या है, कोई बीमार हो जाता था, तो पहले सबसे पहले इन्हीं का नंबर लगता था। तो ये फिर मुझे फ़ोन करते थे या मुझे बाया वाया जो कहीं से जानकारी मिलती थी तो मैं तुरंत इनको फ़ोन करता था, तो ये सारा काम देखते थे। तो इस प्रकार से हमारे 2 साल जो थे इसी काम में सारे बीत गए। अब वो तो सारा काम हमारा चलता रहा, लेकिन समस्या थी हमारे सामने जो हमारा समग्र शिक्षा अभियान का काम कैसे चले, और बच्चों की जो एक ट्रेनिंग है उसको हम किस प्रकार से स्मूथली चलाएं। तो इसके लिए भी मैं अपनी ओर से बिल्कुल आश्वस्त हूँ, और मैं अपने जो हमारे बच्चे यहाँ से, जो विशेषकर जो बैच है यहाँ से पास आउट हो चुका है, उनके लिए भी मैं एक बड़ी एक अपने अंदर से अच्छा वो फील करता हूँ कि उनकी ट्रेनिंग कोई ऐसे नहीं हुई है कि ऐसे ही घर बैठ करके पास हो गए। हमने तुरंत ऑनलाइन जो एक टीचिंग थी उसको हमने, शायद हिमाचल के अंदर हमारा चंबा डाइट का एक पहला संस्थान था जिसने ऑनलाइन टीचिंग हमने शुरू की थी। शिक्षा विभाग में तो शुरू हो गई थी हर घर पाठशाला, लेकिन हमने हमारी डाइट की जो टीचिंग थी वो हम हिमाचल में चंबा पहला जिला था जिसने ऑनलाइन टीचिंग जो थी जो बच्चों की शुरू की थी, और बच्चों ने भी उसमें बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। जो हमारे टीचिंग फैकल्टी थी उन्होंने भी बड़ी मेहनत की इस दौरान, अपना लेक्चर उन्होंने तैयार किया। हालांकि उस समय हम लोग इस ऑनलाइन विधा से इतने हम परफेक्ट नहीं थे कि किस प्रकार से हमने ऑनलाइन क्लास लेनी है और किस प्रकार से उसको आगे चलना है, उसकी इवैल्यूएशन कैसे होगी। इवन मैं अपनी बात आपके सामने अगर कहूँ फ्रीक्वेंटली, तो मुझे भी नहीं ऐसा पता था कि किस प्रकार से ऑनलाइन हम काम करेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसमें हम लोग पारंगत होते गए। मुझे जो हमारी मीटिंग्स होती थी, वो चाहे हमारी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग होती थी, स्टेट लेवल की जितनी मीटिंग्स होती थी, वो सारी ऑनलाइन मोड में होने लगी। तो कई बार तो मैं बीच में जब हमारे जो उच्च अधिकारी से हमसे पूछते थे कोई प्रश्न, तो जब आगे अगर मैंने उनको रिस्पॉन्स करना है तो मुझे इतना नहीं पता होता था कि अब कैसे मैं अपनी बात कैसे रखूं। कई बार वो उसको क्विट कर जाता था, मैं मीटिंग से ही बाहर हो जाता था,
द्वारा फिर जब रीज्वाइन करना था उतनी देर को शायद वो मीटिंग खत्म हो चुकी होती थी। तो इस प्रकार के जो कुछ एक इंस्टांस हैं वो भी मेरे साथ बीते, लेकिन जैसे जैसे आगे समय निकला हम लोग उसमें बिल्कुल परफेक्ट हुए और एक दिन के अंदर तीन तीन चार चार वीसी जो भी वो भी हमारी होने लगी। बच्चों ने इस कड़ी को आगे बढ़ाया और मैं यूँ कहूँगा कि हमारे जितने भी यहाँ पे जो हमारे क्लास इंचार्ज थे, दूसरे टीचर थे, उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए एक और सोच रखी कि बच्चे तो आजकल घरों में कैद हैं और जब ये कोरोना की महामारी चली जाएगी तो बच्चों को तो मॉर्निंग असेंबली करने नहीं आएगी, उनको तो प्रेयर भूल जाएगी, प्लेज भूल जाएगी, राष्ट्रीय गान भूल जाएगा, तो इसको कैसे हम मेंटेन रखेंगे। तो ये एक बड़ी एक खुशी की बात है कि हमारे बच्चों ने और हमारे अध्यापकों ने ऑनलाइन जो हमारी मॉर्निंग असेंबली जो थी वो प्रारंभ की। और सबसे उसका एक सुखद जो अनुभव मेरे सामने आया, क्योंकि हमारा स्टेट कैडर है, स्टेट कैडर के बच्चे यहाँ पर हैं, शिमला के, बिलासपुर के, ऊना के, हमीरपुर के, बहुत दूर दूर से बच्चे थे। तो हर रोज़ वो बच्चे जो थे, अगर किसी गांव में अंदर बच्चा रहता है, जैसे मान लो शिमला के दुरू रोडू या कोटखाई में बच्चा रहता है, तो वहाँ पर जिस गाँव में वो रहता है उस गाँव के आस पास के बच्चे 8-10 बच्चे इकट्ठे करके तो वहाँ पर वो बच्चे मॉर्निंग असेंबली करते थे। और उसमें मेरी ये कोशिश रहती थी कि मैं हर मॉर्निंग असेंबली में मैं उसमें जुड़ पाऊँ, तो मैं जुड़ता था। तो मुझे बड़ा एक पूरे हिमाचल का उस दौरान जो है वो ऑनलाइन दर्शन करने को मिले, अलग अलग गांव देखने को मिले कि हमारे बच्चे कितनी कितनी दूर से हैं। तो ये एक बहुत ही एक बढ़िया एक अनुभव जो था वो भी हमें मिला है। अब इस काल में जो आप लोग इस पीरियड के अंदर जो आप लोगों की ट्रेनिंग हुई है, तो एक आपको पढ़ने पढ़ाने की एक नई जो एक टेक्निक है वो आप लोगों को मिल गई है। अब आप कई बार होता है कि हम जैसे बच्चों को रिटन होमवर्क देते हैं, तो आप चाहो तो जब मर्जी बच्चों के कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो आपके पास होने चाहिए, आप बच्चों को होमवर्क दे सकते हैं, उसको आप ऑनलाइन मोड में ही उसको चेक भी कर सकते हैं, उसकी करेक्शन कर सकते हैं और बच्चों को गाइड भी कर सकते हैं। एक नई जो एक टेक्नोलॉजी जो है वो हमें इस दौरान मिली है और इसमें हम लोग प्रांगत हुए हैं। ये एक जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसमें एक नया चैप्टर जो है वो जुड़ा है। तो ये मैं जो हमारा ये 2 साल का जो काल रहा है उसका अनुभव जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे जो हैं बड़ा अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है उस दौरान, और मुझे नहीं लगता है कि इनकी ट्रेनिंग में कहीं भी कोई कमी रही होगी। तो ये एक आगे जा कर के इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो साबित होने वाली है। जैसे लॉकडाउन समाप्त हुआ उसके बाद हम अभी पीछे फरवरी में जा करके ये सारा सिस्टम जो है अब धीरे धीरे जो है वो पटरी पर आने लगा है। हालांकि अभी तक हम लोगों ने मॉर्निंग असेंबली प्रारंभ नहीं की है, क्योंकि मॉर्निंग असेंबली हमारा एक ऐसा मंच होता है जिस मंच के माध्यम से बहुत सारी एक्टिविटी जो है वो हमारी रन करती है। अभी आप लोगों ने देखा इतने सारे प्राइजेज जो है वो बच्चों को दिए गए हैं, इनमें से मैक्सिमम जो एक्टिविटीज है हमारी सारी ऑनलाइन मोड में हुई है, चाहे कोई कंपटीशन, चाहे वो अपना पोएम रेसिटेशन का है, चाहे पेंटिंग का है, चाहे दूसरे जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऑनलाइन मोड में हुए थे और हम लोग यहाँ पर इकट्ठे नहीं हो सके। आज हम यहाँ पर इकट्ठे होकर के वो सारे पिछले 2 वर्षों की जितनी सारी एक्टिविटीज़ हुई थी उनके प्राइजेस आप लोगों को यहाँ पर दे रहे हैं। तो विशेषकर जो बच्चे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, मैं उनको आज के दिन ये विशेष एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, जो 2 साल का आपका काल था वो सब समाप्त हो चुका है और अपना जहाँ भी कल को आपको कहीं जॉब मिलती है तो अपना जो काम है बिल्कुल एक तन्मयता के साथ करना है, बिल्कुल मेहनत के साथ करना है, लगन के साथ करना है। ये जो कोई नेचर के अंदर जो कोई एक सुप्रीम पावर है वो आपको कहीं ना कहीं वॉच कर रही है, वो देख रही है और वो हमेशा आपको कभी ना कभी पे करेगी। उसका जीता जागता जो उदाहरण आज आपके सामने जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो है। नहीं तो कभी कोई कल्पना कर सकता था कि एक किसी कार्यालय का जो सेवादार है वो उस कार्यालय के उस
संस्थान के एनुअल फंक्शन में मुख्य अतिथि हो सकता है, शायद मुझे नहीं लगता किसी ने ऐसा सोचा होगा। ये आप अगर सच्ची मेहनत से काम करेंगे, लगन से काम करेंगे, तो नेचर अपने ऊपर किसी का एहसान नहीं रखती है, उसको वो चुकता करती है। तो इसलिए आप लोग अपनी बिल्कुल मेहनत के साथ काम करें, लगन के साथ काम करें, अपने बच्चों को, अगर जो बच्चे आपके स्टूडेंट्स होंगे उनको आप बिल्कुल तन्मयता के साथ, अपने जी जान के साथ उनको गाइड करेंगे, उनको अपने अच्छी मेहनत कराएंगे। 10 से 4 वाला सिस्टम उनके साथ नहीं रखेंगे कि अब छुट्टी हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो निश्चित रूप से वो बच्चे कहीं ना कहीं आपको दुआ देंगे और वो दुआ आपको जरूर मिलेगी। तो ये आज के दिन आपको विशेष मैसेज है मेरी ओर से, क्योंकि मैं जब भी फील्ड में जाता हूँ हजारों बच्चे जो हैं हमारे यहाँ से डाइट से निकल करके गए हैं और उन हजारों को हमने पढ़ाया है, और जब हम वहाँ पर फील्ड के अंदर जाते हैं उन बच्चों की जो कार्यशैली है उसको देखते हैं, जो बच्चा हमारा यहाँ पे जो सिंसियर होता है, जो अच्छा काम करता है, वो स्कूलों में भी उनकी वैसी ही छवि होती है, उसी प्रकार का जो एक वातावरण जो है उनके विद्यालयों के अंदर देखने को मिलता है। आज आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे यहाँ से इनाम ले रहे हैं, तो मुझे तो पूरी 100% ये उम्मीद है वो बच्चे जब भी जहाँ भी उनकी तैनाती होगी वो अच्छा काम करेंगे और इस इंस्टीट्यूट का भी नाम जो है वो रोशन करेंगे पूरे चंबा जिला के अंदर या हिमाचल के अंदर, और आने वाली जो हमारी जनरेशन होगी उनके लिए भी एक ये मिसाल बनेगी कि ये डाइट चंबा के जो ट्रेंड बच्चे हैं वो हैं जो इस विद्यालय को चला रहे हैं। तो ये था आपके लिए आज के दिन का विशेष मैसेज, और इसके अतिरिक्त हमारे जो अभी रनिंग बैच हैं उनके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण और एक जरूरी संदेश ये है कि अभी 9-10 तारीख से हमारी जो एक स्पोर्ट्स मीट है इंटर डाइट्स की, वो होने जा रही है। हालांकि जो हमारे आउटगोइंग बैचेज हैं वो इस चीज़ को मिस करेंगे कि आप पूरे हिमाचल के जितने सारे डाइट्स हैं उनके साथ आप लोगों की इंटरेक्शन नहीं हो सकी, लेकिन ये तो प्रकृति का अब कुछ खेल ही था जिस वजह से ये नहीं हो सका। लेकिन फिर भी जिन लोगों को ये मौका मिलने जा रहा है, मेरा उनसे ये आग्रह रहेगा, विशेषकर डीपी साहब से भी, कि वो आज से ही उस की तैयारी में जुट जाएं। इसमें आपकी कल्चरल इवेंट्स भी होंगी और स्पोर्ट्स इवेंट्स भी होंगी, बोथ बॉयज़ और गर्ल्स के लिए होंगी, और सबसे बड़ी बात खुशी की ये है कि इसका वेन्यू जो है वो हमारा नियर बाई डिस्ट्रिक्ट जो है कांगड़ा, वो धर्मशाला में होने जा रही है। तो बड़े जोश के साथ उसके लिए तैयारी करें और वहाँ भी आप चंबा डाइट का परचम लहराएं, ऐसा मेरा आप लोगों से निवेदन है। अंत में आज जितने भी प्राइजेस जिन बच्चों को मिले हैं, 1st, 2nd, 3rd रहे हैं, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। और अभी जैसे राहुल बार बार यहाँ पर आ रहा था तो शायद मैं देख रहा था तो उसका 2nd नंबर पे उसका नाम आ रहा था, तो मैंने उसको पूछा कि बात क्या है, 2nd नंबर पे 1st पे क्यों नहीं आ रहा है। तो जो बच्चे 1st नहीं आए हैं वो मेहनत करें, वो 1st पे पहुँचे, जो कुछ नहीं कर पाए हैं वो प्राइज की उसमें टैली में आए। तो ये भी मेरी ओर से आप लोगों को एक आज का मैसेज है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज जो हमारे यहाँ पे जितने गेस्ट आए हैं, विशेषकर आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि व अन्य जो गेस्ट हैं, उन सब का मैं डाइट की ओर से और अपनी ओर से इस प्रांगण में आपका एक बार फिर से पुनः धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में आ करके हमारे इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया है। और इसी प्रकार से इन फ्यूचर भी हम ये चाहते हैं कि अच्छे अच्छे कार्यक्रम जो है वो हमारे इस प्रांगण में होते रहेंगे, आप लोग हमारा सहयोग देते रहेंगे। और प्रकृति से भी मेरा यही अब मेरी उम्मीद है कि जो नॉर्मल लाइफ पहले हम लोग जी रहे थे, अब आगे वो सारा नॉर्मल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। विगत 2 वर्षों में वो हमारे सामने रखी और हम भाग्यशाली हैं कि हमें डीपी सर जैसे एक कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति के अधीन काम करने का मौका मिला है। तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं और हम अपने का नाम जो है वो हर जगह रोशन करें। तो इसी कड़ी में applause.
for sharing his experience. मुख्य अतिथि जी, उनका परिवार, हमारे प्रधानाचार्य जी, हमारे आदरणीय अध्यापक और यहाँ हमारे उपस्थित प्रशिक्षु साथी, आप सभी का स्वागत भी करता हूँ और साथ में मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने इतने समय बाद यहाँ पर डाइट में उपस्थित होने का हमें मौका दिया। तो तहे दिल से अपनी कक्षा और अपनी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सपीरियंसेस की बात की जाए तो ज़्यादा तो हमारा समय कोविड में ही चला गया, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हमारा कोविड के साथ ही रहा, लेकिन फिर भी हमारे जो आदरणीय अध्यापक हैं उन्होंने इतना ज़्यादा कोऑपरेशन किया हमारे साथ। लॉकडाउन में भी हमारी क्लासेस कंटिन्यू चली, जिसके बावजूद जो आपको रिजल्ट देखने को मिला वो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिला होगा कि किस प्रकार से आप जो है उनकी बदौलत अपने एग्ज़ाम्स में कर पाए, तो उनका भी मैं धन्यवाद करूँगा। और साथ में अभी मुझे याद आ रही है बात कि राशि मैम ने एक स्टार्टिंग में मुझे बात कही थी, जब हम स्टार्टिंग में अभी हमारी क्लासेस लगी और मैम ने क्वेश्चन पूछा क्लास में कि यहाँ पर कौन कौन अपने इंटरेस्ट से आया है और कौन अपने इंटरेस्ट से नहीं आया या फिर आके फंस गया है। तो उसमें हम कुछ स्टूडेंट्स थे, तो वहाँ पर मैम ने कहा कि मतलब हम कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हाथ खड़े किए कि हम प्रशिक्षण संस्थान में आकर फंस चुके हैं, जो कि एक टीचर यहाँ पर अभी हम आगे जो है एक टीचर के रूप में कार्य करेंगे, तो हम यहाँ पर हमारा यही जवाब था कि हम यहाँ आकर फंस गए हैं। तो मैम ने एक चीज़ कही कि आप अभी एक्सपीरियंस लेकर देखो और आफ्टर दैट आपको जब एक साल आपका बीत जाएगा उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा तो आप मुझे बताइएगा। तो मैंने कहीं एक चीज़ सुनी थी कि अगर किसी चीज़ को जानना चाहो तो उसकी गहराई में जाकर देखो, तब आप उसकी पहचान कर पाओगे। तो हुआ यही, जो मैम ने मुझे बात कही थी वो बिल्कुल सच हुई। जब मैं पहले तो स्टार्टिंग में इतना ध्यान लगता नहीं था, लेकिन जब मैं टीपी पे गया, मैंने बच्चों के साथ इंट्रैक्शंस किया, तो मुझे यही चीज़ लगी कि ये लाइन मेरे लिए है और मैं इसी लाइन में काम करूँगा सो ही बेटर रहेगा। तो यही मेरा एक्सपीरियंस था। एट लास्ट फिर से मैं एक बार धन्यवाद करूँगा अपने आदरणीय अध्यापक का कि उन्होंने इतने साल दो साल हमें संभाल के रखा, और ख़ासकर हमारे क्लास इंचार्ज ओंकार सर का, जो कि एक पेरेंट्स की तरह हमें हर वक्त जो है वो गाइड करते आए। हमने काफ़ी तंग भी किया है सर को, और सर भी जानते होंगे और हम मेरी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पर बैठे हैं वो भी जानते होंगे कि कैसे कैसे सर ने हमें हर एक चीज़ पर गाइड किया है, कैसे हमें संभाला है। तो तहे दिल से सर का भी धन्यवाद और आपका, आदरणीय अध्यापकों का, और साथ में प्रधानाचार्य महोदय जी का, और साथ में जो हमारे यहाँ पर जूनियर प्रशिक्षु बैठे हैं उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा कि काफ़ी कोऑपरेट किया उन्होंने हमारे जो दो बैच यहाँ पर हैं। तो बस अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, अक्सर मैं एक शायरी यहाँ पर बोलता आया हूँ और कईयों ने सुनी भी होगी और कईयों ने नहीं सुनी है तो सुन लें, कि जिस तरह बादल गरजे बादल बरसे, जिस तरह बादल गरजे बादल बरसे, हम नहीं चाहते आपकी आंखों से पानी की एक बूंद भी बरसे। प्यारे दोस्तों अध्यापकों, हमारे मुख्य अध्यापक जी, आपकी ज़िंदगी में आई इतनी खुशियां कि खुदा भी आपकी मोहब्बत के लिए तरसे। धन्यवाद। कि वो भी अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। Thank you is the least I can say to show my appreciation for everything you have done for me. I am very grateful of my life and destiny for bringing me to this school. The beautiful experience with the teachers and students, something that money cannot buy. The most wonderful experience was that I have get admission in this institute. I feel proud to have Kavita ma'am as my class teacher. She is wonderful and she motivated me in every stage, every situation. Thank you. I also thank you, our principal sir and other teachers and my dear friends, for a great motivation and support. Thank you very much. Thank you. अब मैं इसके बाद, हम जैसे ये, हाँ आपको पता है कि हिमाचल घूम लिए, शिमला घूम लिए, चंबा की संस्कृति देखी हमने, अब हम इसके बाद पंजाबी भांगड़ा के लिए जो
ओमकार सर को फिर से बुलाएंगे। हमारी रिस्पेक्टेड मैम अनुराधा जी, जो कि वर्तमान में गवर्नमेंट हाई स्कूल आई थिंक सिंगी में जो है वो एज एडमिनिस्ट्रेटर सेवाएं दे रहे हैं, वो भी स्टेज पे आए और हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें। नेक्स्ट हमारा 2020-21 का एंटी टोबैको डे जो है वो सेलिब्रेट हुआ, जिसमें पेंटिंग कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज जो है वो जाता है प्रीति फ्रॉम सेक्शन A1, सेकेंड प्राइज गोज टू राहुल देवल फ्रॉम A1 और अपना प्राइज जो है वो प्रॉपर। सेकेंड कॉम्पिटिशन पेंटिंग कॉम्पिटिशन था सेक्शन B1 से, उसमें फर्स्ट प्राइज गोज टू मिस्टर प्रशांत, अपना प्राइज जो है वो रिसीव करें। नेक्स्ट था हमारा स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन फ्रॉम सेक्शन A1 एंड प्रियंका एंड चारू चंद्रिका, थर्ड प्राइज गोज टू चारू चंद्रिका। नेक्स्ट है स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन सेक्शन B1 एंड द फर्स्ट प्राइज गोज टू, एंड इस कॉम्पिटिशन में द फर्स्ट प्राइज का फ्रॉम B1। नेक्स्ट कॉम्पिटिशन था डेक्लमेशन कॉम्पिटिशन एंड द फर्स्ट प्राइज गोज टू मिस्टर दीक्षित गौतम। जो हमारा कॉम्पिटिशन था मेहंदी कॉम्पिटिशन एंड द फर्स्ट प्राइज गोज टू, थर्ड प्राइज गोज टू स्नेहा जूनियर सेक्शन, मोबिना दीक्षा एंड स्नेहा। इंटरनेशनल वुमेन डे 2021 में लास्ट इवेंट थी हमारी स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन एंड द फर्स्ट प्राइज गोज टू मिस रीता फ्रॉम जूनियर सेक्शन एंड द थर्ड प्राइज गोज टू टू स्टूडेंट्स अगेन उमंग एंड कामेश, उमंग एंड कामेश, उमंग फ्रॉम B1 एंड कामेश फ्रॉम जूनियर। है अंशिता जूनियर सेक्शन से, मनीषा ऑर्गेनाइज हुआ था और यहाँ से बच्चे सिलेक्ट होकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने कम्पीट किया था और ये हमारी डाइट के लिए जो है वो बड़ी मतलब एक अच्छी बात है कि उन बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाकर के सेकंड पोजीशन जो है वो हासिल की थी डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन में। नेक्स्ट हमारा काफ़ी एक सिंसियर स्टूडेंट है हमारा आशीष, एक्टिविटीज़ की हैं उनको भी हम यहाँ पे सम्मानित करेंगे। उसमें है मिस्टर प्रशांत फ्रॉम B1, मिस्टर ऑनलाइन मोड में मॉर्निंग असेंबली ऑर्गेनाइज की और ऑनलाइन मोड में जो है वो बच्चों को पढ़ाया, तो ये काफ़ी हमारे सिंसियर बच्चे हैं। इस संस्थान की थी जो कि बचत भवन में आप सभी के ध्यान में है, उसमें भी कुछ बच्चों ने बहुत मेहनत की है उस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करवाने में, रात तक वो हमारे साथ वहाँ पे जो है वो डटे रहे, तो उन बच्चों को भी हम यहाँ पे सम्मानित करेंगे। उसमें मिस्टर दीक्षित गौतम, हर एक बात को समझते हैं और बिना किसी ऑर्डर के बिना किसी आदेश के वो स्वयं जो है वो हर काम के लिए आगे आते हैं, तो डाइट की तरफ से उन बच्चों को भी सम्मानित किया जाएगा ताकि ये भावना जो है वो हमेशा उनके अंदर जो है वो बनी रहे। इस अंकित B1, संदीप B2 ये पास आउट हैं, जितेंद्र B2, कृतिका B2, कीर्तिका सॉरी B2, आशीष A2, सुषमा A2, छिंदू A2, राहुल देवल A1, ईशा B1, नेचोराम A2 है वो सबके हाथों से प्राप्त करें। और साथ में मेरी ये एक तरह से आपको एडवाइस रहेगी कि अपने अंदर की इस भावना को हमेशा जो है वो बनाए रखें, इसी मोड में इसी पैशन के साथ काम करते रहें तो लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द 2019-21 का बैच था, उसमें पूरे बैच में जो फर्स्ट पोजीशन ली है वो है मिस्टर सचिन फ्रॉम सेक्शन A पे, वो ये पास आउट स्टूडेंट हैं हमारे 2019-21 के, भी नहीं हो पाया था
इसमें फर्स्ट प्राइज आता है मिस्टर अमित को, इनको देख करके काफी अच्छे स्टूडेंट हैं। सेकंड पे है पल्लवी बिजलवाल। द थर्ड पोजीशन गोज टू ऐश्वर्या। इसी बीच में एक हमारी इवेंट छूटी, चाहे वो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो या और कोई जो है वो हमारा इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट होता हो चंबा में, तो हर बार ये बच्चे जो है वो वहाँ पे एक रंगोली कार्यक्रम जो है वो रंगोली बनाते हैं और उस रंगोली को पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सराहा जाता है। तो ये बच्चा अपने प्रकाश जी से और मैम से कि वो अपना स्थान ग्रहण डाइट की तरफ से एक मोमेंटो दे करके जो है वो सम्मानित करें। अपने डीपीओ सर से कि वो अभी सम्मानित कर रहे हैं हमारे आज के, तो कंग्रेचुलेशंस हिंट एक मोमेंटो दे करके हमें मैम को जो है वो सम्मान, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस मैम अनुराधा जी को बैग दे करके सॉरी मोमेंटो दे करके सम्मानित करें। हमारे डीपीओ सर के गुरु भी हैं तो ये तो और भी मतलब एक सोने पे सुहागा जो है वो जिसको हम बोल सकते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ सर का एक अपना फंक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट था। तो इसके बाद डॉक्टर कविता बिजलवान जी रिक्वेस्ट कमीशन में इन्होंने जो है वो काम किया है और इनके साथ जो हमारे साथी थे वो रिक्वेस्ट करूँगा हमारे एरियाज में काम किया इन टीचर एजुकेशन में, तो दोनों को जो है वो यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा, अरविंद जी और रामकृष्ण ठाकुर जी। जो दूसरा हमारा स्कूल एजुकेशन का दूसरा पार्ट था उसमें हम हमारे डीपीओ सर को हम सभी की तरफ से एक मोमेंटो जो है वो भेंट कर खेलते हैं वो लिस्ट है बना बना के, मैम की बुरी हालत हो गई है तो फाइनली जो है वो क्योंकि इनके योगदान से इनके कोऑपरेशन से ही ये सारी चीज़ें जो है वो संभव है। एनर्जेटिक जिसको मैं एक शब्द जो है वो इनके लिए प्रॉपर रहे अगर तो वो है तत्पर और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, हमेशा नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कोई सूटेबल है तो वो है साइलेंट वर्कर। ये पता नहीं कहाँ कहाँ पौधे लगाते रहते हैं का यही काम जो है वो पिछले 10 दिनों से करते आ रहे हैं। तो जोरदार हमारी जो भी प्रोग्राम रहे हैं बड़ा इनका योगदान है हमारा और साथ काफ़ी ये भी एनर्जेटिक और काफ़ी हर काम को करने में माहिर, ये काम हर काम को करने में जो है वो किसी का भी रोल जो है वो कम या ज़्यादा नहीं है, सभी बराबर के हकदार हैं। बहुत सारे गुणों से संपन्न हमारे प्रवक्ता हैं, पुल जिसको हम बोलते हैं, पंक्चुअल जिसको हम बोल सकते हैं, ये कभी नहीं हमारे डाइट के असिस्टेंट रतन ठाकुर, डाइट के हमारे असिस्टेंट मैडम प्रवीण अख्तर जी, हमारा स्टाफ इतना है कि बीच में कुछ साथी बुरा नाम को अंजाम देती हैं, वैसा मुझे नहीं लगता कि कोई जो है वो उतने पे, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर वो हमारे डाइट के, हमने डाइट के अंदर एक नया नाम दिया है हमारे जो ऑनरेबल महामहिम राम
बैंड करो ना सब सभी जोर से अपने हाथ ऊपर करेंगे कमोन शाबाश सभी शाबाशी सिर्फ आपको है बाकियों को नहीं है भारत माता की भारत माता की सम्माननीय आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान चमन जी उनके माता जी उनकी धर्मपत्नी जी उनके सभी सगे संबंधी और हमारे परम आदरणीय इस शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य एवं जिला परियोजना अधिकारी श्रीमान राजेश जी उपस्थित इस डाइट के सभी प्रवक्ता साथी हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ के सभी सदस्यगण उपस्थित यहां बाहर से आए सभी अतिथिगण और डाइट की रौनक डाइट की आन व शान जिनके जिनके जिनसे जहां रोशन है ये डाइट रोशन है डाइट के प्रशिक्षु आप सबका इस कार्यक्रम में विशेषकर हम सब प्रवक्ता की ओर से हार्दिक अभिनंदन ऐसा है इस बदलते हुए भारत में इस बदलते परिवेश में हम बहुत सारी चीजें जो है वो भूलते जा रहे हैं और उसमें अमूल्य जो है वो हमारी संस्कृति है तो उस संस्कृति को हम कैसे संजोए रखें हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री भारत देश श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस दिन इस दुनिया से चले गए थे उस दिन रात की तन्हाई में 5 मिनट के लिए मेरे मन में ये ख्याल आया था कि जिस तरह से उन्होंने देश के लिए अपने अनमोल और अमूल्य शब्द दिए थे और प्रेरणा स्रोत विचार जो थे इस भारत को दिए थे उन्हीं से प्रभावित होकर कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं इन पंक्तियों में आपको आनंद भी आएगा लेकिन अभी हमारा मन कहीं और है क्योंकि पंजाब का भांगड़ा अगर पीछे खड़ा हो तो ऐसे लगता है कब बजेगा तो भांगड़ा भी बजने वाला है उससे पहले कुछ पंक्तियां हैं जरा ध्यान दें हे राष्ट्र समर्पित मन तन धन क्षणिक तन्हाई दे दे हे राष्ट्र समर्पित मन तन धन क्षणिक तन्हाई दे दे भ्रमित विचलित ख्यालों को थोड़ा सा सुझाव दे दे भ्रमित विचलित ख्यालों को थोड़ा सा सुझाव दे दे नटकट ओझल विमुख तरंगों से खंडित हृदय को तनिक आसरा दे दे कल कल करती नदियां उमड़ते बादल धरा की तलहटी टूटती हवाओं की घुटन अग्नि का अमुक दमन और आकाश अनायास रोता बिलखता दर्श दिखाता ना समझ प्राणी को एक विस्मत कल्पना समझ ओझल सा एहसास दिला दे मौसम सर्द हो या गर्म मौसम सरत हो या गर्म क्या फर्क पड़ता जज्बातों पे ये मोबाइल है ना ये ओझल हो गया था भारत वही परिपाटी जहां था भारत वही परिपाटी मानस ना समझ खड़ा उसी घाट पे भ्रम में सहजता प्रकृति भूल गया संस्कार और संस्कृति दोनों हो गए दोहे मातर
संस्कार और संस्कृति दोनों हो गए दोहे मात्र, थोड़ा सा अमृत घूंट पिला दे, जग जननी की लाज की खातिर अपनी डूबती साख बचा ले, जग जननी की लाज की खातिर अपनी डूबती साख बचा ले। हे भरतवंशियों राजकुमारों, हे भरतवंशियों शिरोमणि आर्यावत रियासत के राजकुमारों, कहां गया वो गौरव सरलता विश्व गुणगान करता जन जन, जलते शोलो भड़कती दहशत आपसी फूट, राष्ट्रीयता का मिटता भेद और हिंदू खिन भिन संदेश, रग में मिटती देख रीत माटी की, मौत की सौगात नसी करा दे, अखंड भारत की तस्वीर सोच को जन मंत्र बना दे। वरना वीर भूमि की शहादत पे जा निशानों के रुधिर को लाल गुलाल समझ, गद्दारों की होली करार कर दे। हे पितृभूमि मातृभूमि, मेरे भारत के जन जन के हृदय में राष्ट्रभाव की लौ जगा दे, राष्ट्रभाव की लौ जगा दे। तो मित्रों, ये ऐसा है, मंच के ऊपर मोबाइल के माध्यम से आजकल जमाना ऐसा है, लेकिन मोबाइल अगर ओझल हो जाए तो गड़बड़ी हो जाती है, तो यहाँ भी थोड़ी गड़बड़ी हुई है, उसके लिए खेत क्षमा चाहता हूँ। तो आपका समय लिया, भूख भी आपको लगी है, तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ नमस्कार। ब्यूटीफुल लाइंस। चलिए अब आपको पंजाब की सैर करवाते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट सम स्टूडेंट्स फॉर भांगड़ा, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। Oh,
इससे पहले कि हम कार्यक्रम को समाप्त करें, मैं आई होप आप सभी को ये परफॉर्मेंसेस काफी पसंद आई होगी, तो प्लीज एक बार अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजाइए। थैंक यू सो मच। आज के इस समारोह की, जो कि अपनी सरकारी सेवाएं देने के बाद सकुशल इस संस्थान से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, मैं निवेदन करता हूं उनसे कि वो सपरिवार स्टेज पे आए और हमारे डाइट की तरफ से जो भी एक छोटी सी तुच्छ सी भेंट है, एक टोकन ऑफ रिटायरमेंट, मिसिस चमनलाल जी से, उन्हें ये हमारे लिए बहुत और उनके लिए भी बहुत गौरव की बात है, बड़े भाग्य की बात है। बेटियों से भी हमें दोरी भावनाएं हमारे अंदर पैदा करता है। एक तरफ सामने खुशी होती है कि हम सेवा करने के बाद सकुशल अपने परिवार में वापस जा रहे हैं, कहीं तो एक जो पड़ाव है, जो हमारी सरकारी नौकरी है, उससे हम सेवानिवृत्त हो रहे हैं, परंतु इस विषय के बारे में ना सोच करके, क्योंकि जीवन जो है वो लगातार चलता रहता है, जीवन चमनलाल जी को ये हमारी कुछ यादें होती हैं, भेंट छोटी बड़ी मायने नहीं रखती है, ये टोकन ऑफ मेमोरीज होती है जो ताउम्र हमें याद दिलाती है कि हमने कहाँ सफर जो है वो तय किया है। करता हूँ वो सारे स्टाफ का भी बड़ी खुशी की बात है जी। मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा अपने वो करना फंक्शन करना जी। बाकी धन्यवाद जी। बाकी कल परसों धाम है जी, सब ने आ जाना जी, रातिन आना है।
हाँ जी सब ने और क्या बोलना जी हाँ जी रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर स्टाफ एंड और उपस्थित यहाँ पे जो गेस्ट हैं सारे उनका तह दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं कि इन्होंने हमारे लिए इतना मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन करेंगे आप थैंक यू सो मच और सर ने एक बात बोली कि जो एक सेवादार है उसको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है हमने कभी मतलब सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे पापा चीफ गेस्ट बन के बच जाएंगे और हम भी उनके मतलब पीछे पीछे है ना लाइन में उनके गेस्ट की लाइन में जाएंगे तो थैंक यू सो मच और हमने यहाँ 2 साल बिताए हैं मैंने भी ट्रेनिंग इसी इंस्टीट्यूट में की है तो मैंने भी बहुत सारा इंजॉय किया और बहुत सारी शिक्षा ली है यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे टीचर मुझे अनफॉरगेटेबल मिले हैं जिनको मैं हर दिन याद करती हूँ और उनकी बातें हर दिन मुझे याद हैं तो अगर हमसे या हमारे पापा से इस मतलब उनकी ड्यूटी के दौरान कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ छोटा समझ के हमें माफ़ कर दें थैंक यू सो मच